है एक पालक पनीर एंड सेकंड वन है ये पिंडी छोले। वन टू थ्री फोर फाइव। तो मैंने ना इसको डेकोरेट भी कर लिया है एंड कटिंग भी कर ली है इसकी। एक बाइट और लेती हूँ पहले। सबसे बढ़िया बात ना ऐसे लग रहा है सब फ्रेश होंगे, मतलब मुझे फ्रोजन फूड नहीं लग रहा। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि पता नहीं बट होने वाली है और जो लोग चटोरे हैं मेरी तरह उनको तो काफी पसंद आने वाली है। तो आज ना मैं पूरे दिन ऐसी ऐसी चीजें खाने वाली हूँ जो मैंने कभी ट्राई नहीं करी है अपनी लाइफ में। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और उनमें से कुछ तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट ऐसी आइटम्स है लेकिन फिर भी मैंने ट्राई नहीं करी है। मतलब लोग करेंगे पसंद है बट ट्राई नहीं करा, ये कैसे सीन है। तो आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मैंने जिम वगैरह से आई थी, मॉर्निंग ड्रिंक ले ली है तो मैं ब्रेकफास्ट अपना कर रही हूँ। हाँ जी बाबू, हाँ जी वो है ये मोमोज। तो सबसे पहली चीज जो मैं ट्राई करने वाली हूँ ये है। मैंने कभी भी मतलब मुझे पता नहीं था कि उन्होंने भी अपने मोमोज निकाल दिए हैं, नीचे से मुझे मारे जा रही है क्या कर रही है मम्मी। तो ये है दो तरीके के मोमोज एंड ये वाले मोमोज हम नहीं ट्राई करेंगे आज, किसी और दिन करेंगे क्योंकि आज एकादशी है तो नॉनवेज नहीं खाएंगे। मुझे पता नहीं था, मैंने मंगा ली उसके बाद मुझे पता चला कि, तो मैंने कहा चलो ठीक है हम ट्राई करने वाले हैं। ये है प्रसुमा वाले वेजिटेबल एंड पनीर। वेजिटेबल आई गेस मैंने खाए हैं और हाँ खाए हैं मैंने। दार्जिलिंग मोमोज एक्चुअली मैंने इनके ट्राई किए हैं, वेजिटेबल एंड पनीर वाले मैंने ट्राई नहीं किए तो मैंने ये मंगा लिए हैं। आई एम द ओनली वन जो ब्रेकफास्ट में मोमोज खाती है। तो मैं ना मोमोज को पैन फ्राइड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है मुझे पैन फ्राइड मोमोज खाने में। तो मैंने तेल गर्म करने के लिए यहाँ पे रख दिया है तो मोमोज रख देते हैं। तो गाइस मैंने प्लेटिंग कर ली है एंड एक की फिलिंग दिखा दूँ मैं, ऑलरेडी टूट रखा है। तो ये गाइस इसके अंदर की फिलिंग, पनीर भी है, प्याज भी दिख रहा है, दोनों चीजें हैं। ये क्या हो रहा है आपके यहाँ पे? मैं जा रही बाय। तो प्रसुमा के मोमोस रेडी हो गए हैं, लेट्स ट्राई। ये गुनगुन ने अपना खिलौना रखा हुआ नीचे। अभी तक मैंने इनका तीसरा मोमोस है जो मैं ट्राई कर रही हूँ और ये वाले बेस्ट है उन दोनों से। लेकिन ना मैंने इनमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा कर दिया है और थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ऑयल ज़्यादा हो गया इसमें, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे लग रहा है। अपना हल्का सा ऑयल डालना और स्टीम ही कर देना। ये ना मुझे 160 रुपये समथिंग के 10 पड़े थे। पहला आइटम तो अच्छा रहा, आई होप पूरा दिन भी ऐसे अच्छा चल जाए। चटनी बहुत जबरदस्त है। पता नहीं दिमाग खराब हो रहा, पेट भर रहा है ऐसा लग रहा है, नहीं भी भर रहा है पता नहीं चल रहा है, बट हैवी भी लग रहा है। मोमोज खाए इसलिए, लेकिन वो मोमोज काफी ज्यादा लाइट थे तो पूरी प्रॉपर तरीके से भरा भी नहीं, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। तो जो भी है चलो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ ये मैगी के फ्लेवर, कोरियन वाले बारबेक्यू जो फ्लेवर आए हैं एंड ये एक वेज है एंड ये पीछे वाला नॉन वेज है और नॉन वेज आज नहीं खा सकते तो हम सिर्फ करने वाले हैं वेज। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब मुझे कोई नया नूडल्स दिखता है तो मैं कहती हूँ यार ये तो मतलब ये तो ट्राई करना बनता है। तो चलो जल्दी से बनाते हैं और ट्राई करते हैं कैसा है। ये नूडल्स थोड़े थिक नूडल्स हैं और ये सीजनिंग है और ये ऑयल दिया है सीजनिंग ऑयल। पानी मैंने गर्म करने रख दिया है तो डाल देंगे। तो मैं मसाला डाल रही हूँ, ये ना ऐसे नहीं डालना था जिससे हम बाकी कोरियन नूडल्स बनाते हैं ना ऐसे डालना था, इसे जो पानी उसे ड्रेन कर देना था उसके बाद मसाला डालना था और ऑयल वगैरह, बट मुझे कच्चे वाला ना स्वाद नहीं पसंद आता था मैं इसमें डाल रही हूँ, पानी इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है अब तेल डाल दिया जिसके साथ आया था। तेल बन के रेडी हो गई है, थोड़ा सा पानी हो ही गया ज़्यादा क्योंकि रैपर में जो बनाया ऐसे बनाया तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस ये बन गई है एंड थोड़ी मैंने ठंडी करने के लिए भी रख दी थी तभी खाने लायक हो गई है।
एंड मैंने ट्राई नहीं बनाया इसलिए ना इसमें रैपर में इस तरीके की बनी हुई है ठीक है। और ना खुशबू उतनी कुछ खास अच्छी आ नहीं रही इसकी, सो लेट्स सी पसंद आती कि नहीं आ रही है। एक बाइट और लेती हूँ पहले। इसके नूडल्स ना बाकी कोरियन नूडल्स से थोड़े अलग है, अलग से ना क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है ज़्यादा, तो अच्छे लग रहे हैं। बाकी मुझे पसंद आ रहे हैं नहीं पता नहीं चल रहा, मतलब ठीक है ओके है। हल्की सी स्वीट है ये, हल्की सी बिल्कुल, मतलब जैसे फीकी चाय पीने वालों के चाय में अगर आप हल्की सी चीनी डाल दोगे तो उनको उतना पता भी नहीं लगेगा कि हाँ मीठी चाय है, और इतनी फीकी भी नहीं लगेगी तो उस तरीके से समझ रहे। लेकिन लग रहा है सीजनिंग में उन्होंने कुछ तो हल्की सी मीठी कोई इन्ग्रीडियंट डाला है, बट मीठे नहीं हो रहे हैं। मैंने स्पाइसी है पर बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, थोड़े स्पाइसी है हल्के फुल्के। थोड़े स्पाइसी है, तीखा तीखा सा लग रहा है, तो उसके लिए मैं एक मीठी चीज़ लेके आई हूँ। और तो जो लोग ना मुकबैंग देखते हैं, ईटिंग शो देखते हैं ना, उन्हें ये चीज़ ज़रूर देखी होगी जो कि मैं खाने वाली हूँ। टेन टेन है आइस बॉल्स, यानी पहली बार मैं ट्राई करने वाली हूँ, पिचक गए थोड़े से पर ठीक है। ये रहे हाथ से, ऐसा लग रहा है स्वीट मार्शमेलो, अंदर से खट्टी मीठी टैंगी सी, ऐसे सैंडल फ्रूट के अंदर फीलिंग आती है, बूमर के अंदर फीलिंग आती है ना, अंदर वही है। हाँ ये पता कैसे लग रहे हैं, ऐसे चुपा चुप्स नहीं आते उसकी तरह ये लग रहे हैं। तो गाइज अभी हो चुकी है इवनिंग एंड बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही, जबकि मैंने कुछ ऐसा खास खाया भी नहीं है, लेकिन भूख लग भी रही है थोड़ी थोड़ी। सो मैं सोच रही हूँ कि एक चीज़ पड़ी है मेरे पास जो कि मेरा मन हो ना हो, अब भी जस्ट खाना खाया हो, वो चीज़ मैं खा सकती हूँ। गैस कर सकते हो? चलो 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 कैसे कैसे खोल रही हूँ फिंगर छोटे बच्चे की तरह, गुन्नू के साथ आ रहे के लग रही, मैं गुन्नू बड़ी हो रही हूँ मैं छोटी हो रही हूँ। एनीवेज तो वो चीज़ है पिज्ज़ा, ये माय ऑल टाइम फेवरेट, ते है फ्रोजन पिज्ज़ा। मैंने लाइफ में कभी फ्रोजन पिज्ज़ा नहीं खाया है, ये मार्गरेटा है, अमूल पिज्ज़ा मार्गरेटा, लेट्स सी ट्राई करते हैं इसको। वाओ चीज़ तो खूब सारा डाल रहा है, दिखने में भी बढ़िया लग रहा है। नहीं तो पिज्जा तो मैंने डाल दिया है, इसमें डाला है नीचे रखा हुआ स्टैंड, अब इसमें डाल दें ऐसे मेरे ख्याल से, ढक्कन रख देंगे। तो ये बन के रेडी हो गया है हमारा मार्गरेटा पिज्ज़ा, जिसमें दिखाऊँ आपको तो कैसा हुआ है, ऐसा ब्राउन कलर का हुआ है, साइड से हल्का सा जल भी गया है, बट ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ना इसको डेकोरेट भी कर लिया है एंड कटिंग भी कर ली है इसकी।
रात हो चुकी है और अभी मैं खाने वाली हूँ, ट्राई करने वाली हूँ बेसिकली, ये है एक पालक पनीर एंड सेकंड वन है ये पिंडी छोले। तो ये ना हल्दीराम के नहीं है, किचन ऑफ इंडिया के मैंने मंगाए। इनका कोई भी प्रोडक्ट मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। और पालक पनीर तो मैंने हल्दीराम के भी ट्राई नहीं करे हैं, करा है सॉरी। सो लेट्स सी कैसा टेस्ट है, हल्दीराम से अच्छे की कैसे, सब बताऊंगी आपको। और मैंने ना पिज्जा खा लिया था, उसके बाद मैंने आपको कुछ बोला नहीं खाते उसमें, क्योंकि मुझे पता था गुन्नू परेशान करने वाली, तो मैंने इतनी स्पीड में खाया, मैंने कहा पहले खा लो फिर उसके बाद बता दूंगी। तो मतलब ठीक ठाक थे, कुछ मुझे ज़्यादा खास लगा नहीं, और या फिर मुझसे ढंग से बना नहीं था पता नहीं, बट इस अच्छे तो ऑनलाइन मंगा के खा लो आप। तो मेरे को तो मतलब अगर नंबर देना चाहूँगी तो 10 में से 4 और 5 दूंगी मैं, ठीक था मतलब। लेकिन मैं डाल रही थी इसमें, अरे खुशबू बढ़िया आ रही है एकदम, मुझे फ्रेश बनाया हमने घर में, साग इस टाइप की आ रही है, खुशबू बढ़िया आ रही है यार। इसमें पनीर के पीस भी अच्छे हैं, ये पिंडी छोले एंड इसकी भी खुशबू यार बढ़िया आ रही है, पूरी होनी चाहिए इसके साथ। तो प्लेटिंग कर ली मैंने, ये 1 2 3 4 5 6 पनीर के पीस आए हैं, इतनी सब्जी आई है, क्वांटिटी ये राइस है, और ये सैलड मैंने लिया है, सैलड थोड़ा सा कम लिया, मैं डाइटिंग पे हूँ ना इसलिए सैलड देखो मेरा बाप रे। एंड सेकंड जो मेरे पास है छोले चावल में खाने वाले, छोले पिंडी छोले, और इसमें सैलड देखो, चार इसमें। तो गाइस दोनों चीज़ें रेडी हो गई है, एंड मैं ना शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाने लग गई हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट चैनल का लिंक दे दूंगी। फिर से मैंने रीस्टार्ट कर दिया, कुछ लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, और अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं सोच रही हूँ कर दूँ, जब इतनी मेहनत से ना आप लोगों ने सब्सक्राइब किया देखने के लिए तो खाली क्यों करना उस चैनल को। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके क्लिक कर लेना लिंक में, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया आपको तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, फिर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद है तो नोटिफिकेशन ना आए इनकेस। तो पहले हम ट्राई करते पिंडी छोले, देखो मैंने बहुत सारे ट्राई तो नहीं किए, इंस्टेंट फूड फ्रोजन फूड रेडी टू ईट फूड कहीं से कहीं नहीं लग रहे, फ्रोजन फूड है बड़ा सही लग रहा है, पानी बहुत सही है। मेरी बाबू आ गई, वो देखो बाबू गुन्नू ऊपर, बाबू क्या नहीं, बाबू आपको भी दूंगी ना मैं खाना, ये आपके लायक नहीं था बाबू, छोटे बेबी नहीं खाते इसको। मजा आ गया, सबसे बढ़िया बात ना ये ऐसे लग रहा है सिर्फ फ्रेश होंगे, मतलब मुझे फ्रोजन फूड नहीं लग रहा। इतनी सारी चीजें ट्राई कर करके मैं तो थक गई, लेकिन मैं सोचू जब इतना कर लेता लास्ट में एक आइटम और कर लेते हैं, क्योंकि डेजर्ट के बिना तो कोई फायदा है नहीं। तो मैं लेके आई थी केक तेल का चोको चिप्स मफिन 6 पीसेस है इसमें, एंड ये वेज है। सबसे अच्छी बात नॉन वेज आइटम ना मैं तो नहीं खा सकती हूँ, ये केक वगैरह के मैंने एक बार मंगाया था, मतलब टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा हो रहा था, बट ना मुझे एग की स्मेल आ जाती है, मुझे बहुत गंदी एग की स्मेल लगती है, मैं वीडियोस भी बनाती हूँ ना तो मुझे स्मेल लगती है, फिर मैं अवॉइड करके खा लेती हूँ, लेकिन मतलब मुझे है स्मेल का थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को रहता है। तो इस तरीके से दिख रहे हैं, पता नहीं मुझे लग रहा है कहीं ड्राई ना लगे। अरे चिज्जी ले जा, पापा को दे दो, जा लो ये ले लो, आए पापा को दे दो, खाएगी है नहीं खाली, मैंने ना इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, एंड पता है ये ना ड्राई नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं कि मेल्ट हो रहे मुँह में, बट ड्राई नहीं लग रहे मुँह में,
बहुत सही, चाय के साथ खाने के लिए एकदम बेस्ट है ये। वैसे भी यार सो गाइस, अब लास्ट में ना हम एक बार नंबर दे देते हैं सबको, ठीक है, तो आपका आइडिया हो जाएगा कौन कैसा था, और ब्लॉग का एंड भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करती हूँ मोमोज की, तो फीलिंग बहुत अच्छी थी, थोड़ी से मैंने ऑयली बना दिए थे, खाने में अच्छे थे। 7 और 7.5 देंगे 10 में से, ठीक है। मैगी को हम देंगे 6 out of 10, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बारबेक्यू का टेस्ट आ रहा था जैसे उन्होंने बोला था, तो उस वजह से 6, तो ठीक ठाक थी, ऐसे बुरी तो नहीं लग रही थी, तो 6। और फिर उसके बाद हमने खाया पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा को तो मैं दूंगी 4 out of 10। फिर पालक पनीर को मैं दूंगी अगेन 7.5 out of 10। छोले को दूंगी 8 out of 10। और लास्ट में इसको तो मैं दूंगी 8.5 और 9 out of 10। ये तो मुझे बहुत सही लगी, मफिन्स जो थे ना बहुत सही थे। तो यही था आज का व्लॉग, तो यही थी आज की वीडियो, एंड आइटम सही ठीक ठाक थे, पैसे बेचने गए तो ये मतलब ठीक था, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है टेस्ट क्या बेकार हो रहा, तो सब आइटम सही थे, अच्छे थे, तो वीडियो बड़ी अच्छी गई, एक्सपीरियंस अच्छा था। आपको कैसे लगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं इसके साथ खेलने जा रही हूँ, तो खेलने का मन है। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसी वीडियोस देखनी है तो कमेंट करना, और शॉर्ट चैनल को भी चेकआउट कर लेना, अब उसमें वीडियोस आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।